खान साहब की तमाम मुकदमात में जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी और खान साहब जो है इंशाल्लाह आज बाहर बाइज्जत जो है बाहर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। देखें जब फैसला देखें रिहाई के ऑर्डर हो गए, फैसला जो है हमें मिलेगा तो हम बिल्कुल इंशाल्लाह लेके जाएंगे और खान साहब को अपने साथ लेके आएंगे। देखें साइफर वाले मामले के ऊपर मैं पहले बता चुका हूं कि 6 दिन पहले एक बात चलाई गई कि साइफर वाले मामले के ऊपर गिरफ्तारी हो गई है, तो 24 घंटों के अंदर अंदर कानून ये कहता है कि आपने मुतलका कोर्ट में उस बंदे को पेश करना है, और अगर आपने उस बंदे को गिरफ्तार किया हुआ है तो आईन का आर्टिकल 10(1) जो है वो वाजे कहता है कि आपने उस बंदे को इन्फॉर्म करना है कि आपको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। ना उन्हें अभी तक कोई इन्फॉर्म किया गया है, ना हमें कोई पता है, तो लिहाजा अगर वो गिरफ्तारी पुरानी हुई तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होगी, वो फौरन गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी इस हवाले से दरखास्त पेंडिंग है और इस्लामाबाद में भी पेंडिंग है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि खान साहब जो है आज हर सूरत बाहर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी।